औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़माजरी में एक साबुन बनाने वाले उद्योग में वीरवार को हुए केमिकल ब्लास्ट में 3 कामगार बुरी तरह से झुलस गए हैं। एक कामगार को गंभीर अवस्था में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते आज उद्योग के कर्मचारियों ने उद्योग के गेट पर जमकर नारेबाजी की और इंटेक फेडरेशन के प्रदेश महासचिव हरबंस राणा भी कंपनी पहुंचे और हादसे में घायल हुए कामगारों के बारे में जानकारी दी। उद्योग में कार्यरत कामगारों का कहना है कि उद्योग में ना तो कामगारों को कोई सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और उनसे बिना सुरक्षा उपकरणों के जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है। पिछले कल उनके साथी सुनील ठाकुर, राजीव और एक ट्रेनिंग कर रहा युवक उस समय हादसे का शिकार हो गए जब वो शेविंग क्रीम बनाने के लिए मिक्सर तैयार कर रहे थे, जिस दौरान मिक्सचर में रिएक्शन होने से ब्लास्ट हो गया और तीनों युवक झुलस गए, जिनमें से एक युवक का PGI में उपचार चल रहा है। वहीं इंटक फेडरेशन के प्रदेश महासचिव हरबंस राणा ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस उद्योग में इस तरह के हादसे कई बार सामने आ चुके हैं और अब आज उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला तो वो तुरंत उद्योग पहुंचे और युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि जब इस बारे में पुलिस से जानकारी लेनी चाहिए तो पुलिस को इस पूरे मामले में कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं हिमाचल इंटक फेडरेशन प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हरबंस राणा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे दूसरी बार इस उद्योग में आना पड़ा। पहले भी इस उद्योग में ऐसे ही घटनाक्रम होते आए हैं और आज जो मैं रात जो सुबह जो लड़का था सुनील कुमार, वो व्यक्ति उसका जब सूचना मिली कि वो कोई ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से वो पूरी तरह झुलस चुका है, तो मेरे दिल को भी ठेस पहुंची कि हम मजदूरों के लिए कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमें कई बार इस उद्योग में आने का मौका मिला, क्योंकि ना तो इसमें सेफ्टी का कोई व्यवस्था है, ना तो कोई ये इनको टाइम का पेमेंट मिलती है, ना तो इनके लिए जो 8-8 साल हो गए, ना तो इनकी कैटेगरीज है स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, कोई कैटेगरी नहीं इनकी बनी हुई है। और ये लोग जो यूनियन बनी है इनकी, लेकिन यूनियन वाले कितना काम करते हैं ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन लोगों को इनके प्रति बड़ा सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहता हूँ इस उद्योग के बारे में, यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार की योजना है जिसके तहत ये वर्कों को लड़कों को बाहर से मंगवा करके 8-8 महीने तक यहाँ काम करवाते हैं और उनको बाद में उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसकी आड़ में जो है गलत काम पहले से शुरू से करते आए हैं। क्योंकि मैंने इनको कहा था कि प्रधानमंत्री योजना जो है वो गाँव में छोटे उद्योगों के लिए उनको रोजगार के लिए रखी गई थी, परंतु ये लोग जो है बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े सर्प जो बैठे हैं यहाँ, ये लोग अपने हित के लिए ये अजीत प्रेमी को ये सारे डकैत हैं जो दिल्ली में हो चाहे इस उद्योग में हो, ये इनका शोषण करते हैं जम के, और शोषण करके वो बड़े बड़े पार्टियों में जो अरबों खरबों रुपए जो वहां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री योजना की जो है गलत योजना तो ठीक है लेकिन उसका जो है गलत प्रयोग कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं। मैं भी इससे बड़ा दुखी हूं, मैंने पहले भी ये कहा था इन लोगों को, इन्होंने बोला था कि हम इस योजना को इसका सहारा नहीं लेंगे इस योजना का, लेकिन ये बाहर से हिमाचल के हो चाहे बाहर से इनको लाते हैं ये लोग और इस तरीके से इनसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस योजना का गलत प्रयोग कर रहे हैं इसको जो रोकना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि इनको सेफ्टी का व्यवस्था होनी चाहिए, है ना जी, इनको टाइम के अनुसार इनकी चेकअप होनी चाहिए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, जब आता है तो जो मैनेजमेंट के कुछ चमचे हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं बार बार, ये बिल्कुल घटिया किस्म का अपने नंबर बनाने के खातर वहां पता नहीं क्या क्या घर वहां उनको बताते हैं वहां जाके। तो मैं सिर्फ सरकार और लेबर डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में इस फैक्ट्री में क्यों नहीं आते और फैक्ट्री में क्यों नहीं लोग जाते, क्योंकि उनको वो मजे में आते हैं यहाँ, मजे नंद ले रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट जो नंद के लिए आए यहाँ, वर्करों का किसी को छापा नहीं है कि बेचारे मरे रहे, कोई इनको नहीं है। कल बेचारा इतना बड़ा हादसा होकर के जो वो परिवार उसका परिवार भी कष्ट में है, ये लोग जाके उसको 500 रुपए देते, बड़ी घनौनी और बड़ी घनौनी ये बात है कि उसको 500 रुपए दे करके वहां से वापस ये लोग आते हैं। इनको मरने और जमने का कोई इनको पुरानी हो, जिंदा रहे ना रहे, इनको सिर्फ अपनी रोजी रोटी से व्यवस्था की पड़ी होती है, ये चाहे वो इस उद्योग लगाने वाला है चाहे इसमें काम करने वाले मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे जो है चोर डकैत हैं, ये सारे जो इनका शोषण करते हैं ये भी चोर की कैटेगरी में ही आते।
आता है जो इनका शोषण करता है, शोषण भी चोरी की ही कैटेगरी में आती है चीजें। तो लेबर डिपार्टमेंट में से मैं यही मांग करता हूँ कि वो लेबर अफसर वहां बैठ करके मजे ना ले, ये डिपार्टमेंट जो है बार बार इनको चेक करें, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, चाहे एक्साइज का डिपार्टमेंट है, चाहे सिंगल विंडो है, इनको जब दिया इनको मानक आधार पर इनको चेक किया जाए कि ये वाकई इतना इन्होंने चारों तरफ से देखो सरकारी भूमि को इनक्रोचमेंट किया है। तो कई चीजें इनकी ऐसी है जो मतलब सरकार जो है आंखें सरकार के अधिकारी सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं यहाँ, ये खाने पीने का इनकी व्यवस्था है यहाँ, इसलिए वो आते नहीं है। उनको पता है कि हम अगर जाएंगे नियम जो जितने भी नियम इनको फॉलो करने के लिए हमें कुछ यहाँ से दाना पानी नहीं मिलेगा अगर हम इसको ठीक तरह से लागू करते हैं। तो मैं सरकार से भी और डिपार्टमेंटों से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी गलत जो धन दौलत कहीं घर में ले जाएंगे उनके बच्चे भी सुखी नहीं रहते, आप इनके लिए थोड़ा मता काम करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप 100% काम करिए, इनके लिए 70% काम करें और इनको जो है राहत दें। मैं इसीलिए आज फिर इस मंच से और इन जो मजदूर भाइयों की तरफ से ये कहता हूं कि भगवान उसको लंबी आयु दे, जो बेचारा अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और वो बेचारा ठीक हो और हमारे बीच में आए और वो काम करें। और हिमाचल फेडरेशन का ये अगर नहीं करेंगे तो हम इनके तीनों गेट बंद करेंगे, ये चले जाए कोई दिक्कत नहीं, जब ये नहीं थे तो भी रोटी खाते थे, ऐसा कोई नहीं, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने जो है पोल्यूशन के नाम पे भी गंद डाला हुआ है और इतनी ये आसपास के लोगों को तो रोजगार है नहीं, ये ठेकेदारी पर रखते हैं इनको और ठेकेदार को जब मरी तब लात मार के निकाल भी देते हैं। लेबर डिपार्टमेंट से भी आग्रह करता हूँ कि वहां मजे मत लें, हर डिपार्टमेंट हर फैक्ट्री में जाएं, क्योंकि दिवाली का टाइम है, गिफ्ट इनको मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर वो तो आएंगे ही नहीं, फिर इससे पहले पहले जो है इनका चेकअप करें, उनके कितने इन्होंने चलान काटे हैं, उनको कितनी हदायतें दी है यहाँ, इनको भी देखें। इन सब सेफ्टी इक्विपमेंट तो कुछ प्रोवाइड नहीं खास करवाए हैं, बाकी एक आध बार दिए थे से कंपनी ने सेफ्टी इक्विपमेंट, वो डैमेज हो जाते टूट जाते, जो कल जो इंसिडेंट हुआ वो ये इनको जो हमारे सेविंग क्रीम का बैच बनता है तो उसको साइड वेसल में एक वाटर फेस बनाते हैं, उसमें हम एक कास्टिक ऐड करते हैं, कास्टिक एडिशन ऐड करते हैं, उसका घोल बनाते हैं, तो ये लड़के वहां पे काम कर रहे थे। अब इन लड़कों को जो जिन बंदों को वहां पे काम करने का पता नहीं, उनको भी फोर्सली वहां पे लगाया जाता है कि तुम लोग करो भाई या करो नहीं तो घर जाओ, ये कंपनी की धमकी रहती है। और दूसरी बात, उनको पता नहीं था कि उन्होंने कैसे कास्टिक को ऐड करना है, कैसी सेफ्टी वहां पे लानी है, कल तो हमारे पास ग्लव्स भी नहीं थी पहनने के लिए और इवन ना शील्ड थी उन लड़कों के पास पहनने के लिए, और जैसे ही उन्होंने वो कास्टिक का कट्टा उठाया उसको पानी में वो डाला और वो जैसे ही उसमें धमाका हुआ तो उनके ऊपर कास्टिक पड़ गई। और जो हमारा जो सुनील भाई है वो तो काफी उसकी मोल ऐसे बोल सकते हैं कि लाइफ खराब हो गई है, 70% तो वो डैमेज हो गया उसका शरीर, मतलब वो देखने लायक ही नहीं बचा है। और जो हमारा राजीव भाई है उसको आंखों में लगा, एक लड़का और था शायद उसको भी काफी लगा है, वो उसको लेके भी नहीं गए, वो आंटी का लड़का था और कंपनी की तरफ से नहीं था। और मैनेजमेंट का ये कहना होता है हर टाइम की मतलब तुम लोग काम करो या तो बाहर जाओ, और उनसे सेफ्टी के लिए बोला जाए तो सेफ्टी के लिए बोलते बहाने मना रहे थे कि कल परसों चौथ करके हमको निकाल देते हैं जी, मिट्टी गोली दे देते एक तरफ एक तरीके से, और दूसरे तरफ से मिश्रा जी से हमने बात की तो वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे आश्वासन दे रहे हैं काफी टाइम से, हमको तो 3 साल हो गए हैं। मैंने तो बोला भी था पिछले महीने इनको कि जिन बंदों को काम का पता नहीं है उनको मतलब अच्छे तरीके से काम की या तो नॉलेज दिए जाए या तो इनको उस चीज में लगाया ना जाए। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मेरे को खुद दिक्कत होगी, मेरे को तो न्यूरो की दिक्कत हो गई है, वो केमिकल इन्फेक्शन से दिमाग पूरा एक तरीके से वो हो गया है। बार बार मेडिकल चेकअप होता है कंपनी में, मेडिकल नाम का चेकअप होता, कोई रिपोर्ट नहीं देते, एक बार बुलवा लेते हैं साल का और उसका कोई रिपोर्ट नहीं आती कि बंदे को क्या दिक्कत है, क्या उसका प्रोसीजर है, और ये बोल देते कि हमारे पास आ गई हमको पता है जी, ऐसे बोल देते हैं। 500 रुपए दिए जी बस, वो तो HR के रंजीत साहब ले गए थे उनको जी, अच्छा, और एक दिलीप साहब सिक्योरिटी गए है वो ले गए थे जी। सरकार भी है कुंभकर्णी नींद सोई है जी, कुछ नहीं करती है, इनके पास आके मतलब सांड गांड कर लेती है, हमें तो भरोसा नहीं, हमें तो ये है कि मतलब जो हरासमेंट होती है बंदों के साथ वर्कर के साथ उसके साथ एक मतलब लीगली एक्शन होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ खिलाफ, अगला कदम तो हमारा क्या होगा, हम तो वर्कर है हम तो धरना देंगे, हम तो सरकार के खिलाफ ही धरना देंगे, हमको कर क्या सकते हैं, हम तो बस वर्कर बंदे हैं, हम तो जहाँ मरी वहाँ शोषण हो रहा है मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं, नीचे भी बंदे हैं ऐसे वो भी मर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है। मिश्रा साहब के पास जाओ तो बोलते हैं जी करेंगे जी, फिर बाद में बोलोगे यार सेफ्टी को प्रोवाइड करा दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी, तो होता हो बस होता होने दो भाई, प्लांट की हालत तो बहुत खराब है। नाम राजीव कुमार है सर, मैं विप्रो कंपनी में काम करता हूँ, और हमारे साथ ऐसा हुआ कि
हम बैच बना रहे थे और जल्दबाजी से काम करवाया गया हमसे कंपनी वालों ने कि आप ऐसे कर दो, और ना कोई वहाँ सेफ्टी है। कभी हमसे 200 किलो का ड्रम उठाया जाता है, कभी वहाँ से कट्टे उठाए जाते हैं, ना कोई हमें कोई सेफ्टी दी जाती है, ना कोई कुछ किया जाता है। हमें अगर हम उनके काम के लिए मना करते हैं तो हमें वो धमकी देते हैं एक किस्म की कि आप HR में चले जाओ या गेट पास लेके चले जाओ घर में। और जो हमारा भाई है सुनील ठाकुर, वो इस वक्त एडमिट है हॉस्पिटल में। सर एसिड गिर गया था, कास्टिक आंखों में चली गई थी। डॉक्टर ने आंखों में बताया कि आपको 9 तारीख को फिर से चेक करवाना पड़ेगा। सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर जी, आज सुबह हम शेविंग क्रीम का बैच बना रहे थे, तो उसमें जो शेविंग क्रीम का बैच बनाते हैं उसमें एक सुपरवाइजर या कोई पुराना बंदा होता है साथ में, तो उन्होंने दिए थे नए बंदे सारे। तो वो बंदा 50 किलो कट्टा कास्टिक का डाल रहा था उसमें वैसल में, तो उससे पहली बार में डला नहीं। फिर मैंने उनको पूछा कि मैं तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि ग्लव्स है नहीं, कंपनी में ख़त्म है। तो फिर मैं उनके साथ चला गया हेल्प कराने के लिए। एक साइड से मैंने पकड़ा, एक साइड से जो कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय उसने पकड़ा, फिर जो पीछे से ठेकेदार ONT का बंदा था उसने एकदम ही पूरा कट्टा उठा दिया और फिर ये एक्सीडेंट हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।